मेरा प्रश्न है कि कई बार मेरे परिजनों ने अपनी ईर्ष्या और द्वेष पर प्रेरित होकर मुझ पे दोष आदि लगाया, ना चाहते हुए मेरे मन में उनके प्रति एक कटु विचार आते हैं एवं व्यवहार भी बदल जाता है। एक चीज इसमें हम सबके लिए कहते हैं कि जैसे हमको कोई कहता है कि आप चोर हो, तो पहले हमको देखना ईमानदारी से, हम चोर तो नहीं, हम छलिया तो नहीं। अगर हमको लगा कि हमारे में कमी है तो हमें भगवान सचेत कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता होनी। देखो अगर हम चोर अध्यात्म के पथिक हैं, अगर हमारे में चोरी का भाव है, हमको कोई चोर कहता है तो गलत तो नहीं कहता, हम चोर हैं। और जब हम चोर नहीं है फिर हमें कोई चोर कहता है तो नाराज होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं है। बात समझना है, हमको कोई कहता है तू पागल है तो हमें हंसी आएगी, गुस्सा आएगी, हमें हंसी आएगी, ये खुद पागल है, हमको पागल, क्योंकि हम पागल नहीं। अब पागलपना अगर चढ़ेगा तो हम कैसे पागल है, अब मारना पीटना शुरू कर दिया, वास्तविक पागल आदमी है, वास्तविक पागल, उसको ख्याल नहीं है अध्यात्म का, बेमतलब में झगड़ा मोल लिया तो पागल आदमी है ना। तो हम कह रहे हैं जब हमारी कोई निंदा करता है, बुराई करता है, तो हमको पहले जांच करनी कि वो बुराई के लक्षण हमें है क्या, अगर है तो यार बढ़िया बात है, सामने वाला हमारी गंदगी देखकर हमको बता रहा है, हमें सुधार लेना चाहिए। और यदि नहीं है तो हंसने की बात है यार। क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम इस व्यवहार को सत्य मान लेते हैं, झूठे व्यवहार को, तो फिर हमारे अंदर द्वेष आना लगता है, मैं बुरा हूं ना, इसने बुरा किया। सही बात पूछा जाए तो ये तभी लगता है जब होता है कुछ, आप समझना, अंदर हमारे अज्ञान के कारण कुछ मलिनता होती तभी ये बात होती, नहीं तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा कैसे को?